Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्लापंग नेक बैंड बी सीरीज के नेक बैंड की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और उसके बारे में सारी डिटेल जो हमने इसके साथ अपने यूज़ में एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। जो भी कंपनी ने क्लेम किया है कि 100 आवर्स का प्लेबैक देते हैं ये फुल चार्ज पे और 10 मिनट के चार्ज पे 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम देते हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, आपसे अपना रिव्यू शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और चैनल का नाम है द टेक ट्रैवलर। चैनल पे सब्सक्राइब हो जाइए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है, उसके बाद हम उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि हमने क्या फील किया इसके यूज़ के दौरान, इसकी साउंड क्वालिटी, म्यूज़िक क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी और इसके अलावा इसका जो बैकअप है, इसका जो चार्जिंग टाइम है, इन सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, ये हमारा ब्लापंग नेक बैंड बी सीरीज़। पहले ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। ब्लापंग काफ़ी इस्टेब्लिश ब्रांड है म्यूज़िक का, लेकिन ईयरफोन्स नेक बैंड वगैरह ये कम बनाते हैं। मेरी जानकारी में जो हमारे यहाँ मिलता है, ये मेरे ख्याल से शायद पहला नेक बैंड है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि साउंड क्वालिटी के मामले में ब्लापंग बाकियों से काफ़ी अच्छा दे सकता है। बॉक्स की बात करें, बॉक्स में फ्रंट में दिया है ब्लापंग स्टाइल साउंड एंड रिलायबिलिटी, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग, प्ले टाइम 100 आवर्स। इस मेन पॉइंट के लिए मैंने इसको लिया क्योंकि अभी जो मैं नेक बैंड यूज़ कर रहा हूँ वो है बोट रॉकर्स 330 प्रो और उसमें उन्होंने दिया है 60 आवर्स प्लेबैक टाइम, तो मुझे ऑलमोस्ट उतना मिल जाता है। ये देखते हैं 100 आवर्स देते हैं या नहीं। बिग बैटरी 600 mAh, दैट्स अ गुड थिंग। नीचे भी वही टेक्निकल डिटेल्स दी हुई, वाइब्रेशन अलर्ट। हाँ, इन्होंने कहा ये इसमें खास चीज़ है कि जब कॉल आएगी तो ये वाइब्रेट करेगा नेक बैंड भी, हो सकता है। देखते हैं इसको भी, 10 मिनट चार्ज इक्वल टू 10 आवर्स प्लेबैक टाइम, ओके दैट इज़ गुड। 10 मिनट चार्ज करके 10 घंटे चलेगा तो भाई इससे अच्छा क्या चाहिए। स्वेट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, डस्ट रेजिस्टेंट नहीं लिखा है इसमें, स्वेट रेजिस्टेंट सिर्फ लिखा है। ब्लूटूथ वर्जन 5.1, मैग्नेटिक लॉक, गूगल एंड सीरी वॉइस एक्टिवेशन। एंजॉय करें। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। काटा पीटी, ओके शाबाश। ये हमारा नेक बैंड, इसके नीचे दिए हुए हैं ये दो अलग से ईयर टिप्स और USB-A टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब इसको निकालते हैं और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं। तो ये रहे हमारे नेक बैंड, एक साइड में ब्लापंग की ब्रांडिंग है, दूसरे साइड भी ब्लापंग की ब्रांडिंग है। बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है, ये थोड़ा सा सस्ता टाइप का फील हो रहा है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी फील नहीं हो रही। अब इसमें बाकी चीज़ों की बात कर लें, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिल जाता है, जो कवर है यहाँ आपको 3 बटन मिल जाते हैं, प्लस बटन, माइनस बटन और पावर बटन। नीचे एक माइक मिल जाता है। ईयरबड साइड की बात करें तो ये थोड़े से बड़े साइज के लगते हैं देखने में, इसमें ये मैग्नेटिक स्विच दे रखा है, हालांकि इसे बंद नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। ये इसको टच करने पे जैसे बहुत सारे नेक बैंड्स में होता है कि आप अटैच कर दिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, फिर आप हटाएंगे वो ऑन हो जाते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। ये सिर्फ अटैच रहते हैं, ऑफ नहीं होते, ऑफ आपको मैनुअली करना पड़ता है, ऑन आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो नेक बैंड, चार्जिंग केबल और ईयर टिप्स एक्स्ट्रा जो मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में हमने पाया कि इसमें कुछ ईयर टिप्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो ऑलमोस्ट हर ईयरफोन के साथ मिल जाते हैं या नेक बैंड के साथ मिल जाते हैं, और मिलता है एक USB-C टाइप चार्जिंग केबल और उसके अलावा मिलता है हमारा नेक बैंड। तो दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, इसकी बिल्ड डिज़ाइन की। तो मुझे बिल्ड डिज़ाइन इसका बहुत पसंद नहीं आया क्योंकि बैंड तो जो गर्दन पे रहने वाला एरिया वो तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत चीप सस्ते प्लास्टिक का खोखला टाइप का साउंड फील करता है। उसके अलावा जो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो ये कि इनके जो ईयरबड्स हैं जो कान में लगते हैं, ईयर पीसेस हैं, इनके साइज़ बहुत बड़े हैं और इनके कंपैरिजन इनका जो ईयर पीस है जो अंदर जाता है वो छोटा है, कंफर्टेबल नहीं रहता ज़्यादा देर तक वियर करने के लिए, और अगर आप जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं उस दौरान पहन रहे हैं तो ये स्लिप भी कर रहा है। इसमें दोनों साइड में ब्लापंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, अंदर के साइड 3 बटन मिल जाते हैं, नीचे वॉल्यूम अप, ऊपर वॉल्यूम डाउन और बीच में पावर ऑन ऑफ बटन,
इसके अलग अलग फीचर्स भी हैं, जब आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो तो नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए, कॉल रिसीव कॉल एंड करने के लिए। इसके बाद नेक बैंड थोड़ा सा भारी मुझे लगा, हल्का सा, थोड़ा सा और हल्का हो सकता था, हालांकि इसका भारी मुझे उतना नहीं ख़राब लगा क्योंकि इसमें 600 mAh की बैटरी है तो थोड़ा भारी होना इसका बनता। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉलिंग क्वालिटी की और इसकी साउंड क्वालिटी की। तो कॉलिंग क्वालिटी में मुझे कोई इशू नहीं है, जैसे आप जानते हैं ज़्यादातर नेक बैंड्स में कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि माइक्स आपके गले के पास होते हैं, आवाज़ अच्छे से कैप्चर करते हैं, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं लगा। रोड पे भी चल के मैंने बात करके देखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। म्यूज़िक क्वालिटी की जहाँ तक बात है साउंड क्वालिटी की, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि बेस तो अच्छा है, ट्रेबल भी इनका अच्छा है, ट्रेबल में थोड़ा सा ये कम पड़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा नहीं है। लापंक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मुझे लगा था कि इससे बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उतना अच्छा साउंड क्वालिटी मुझे नहीं लगा, तो मैं उस बेसिस पे इसको बहुत प्रेफर नहीं कर पाऊंगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में इसके USP यानी इसके पावर बैकअप की। जो इसका प्लेबैक टाइम है, जो कंपनी ने कहा है कि फुल चार्ज पे 100 घंटे का प्लेबैक देगा, तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सब उससे पहले उसके चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो 1.5 से 2.5 घंटे ये फुल चार्ज होने में लगता है, हो सकता है चार्जर पे भी डिपेंड करे, लेकिन फुल चार्ज होने के बावजूद मैंने इसको 2 बार कंटिन्यूसली चेक किया है, ये 42 से 44 घंटे तक का बैकअप देता है, उसके बाद ये शट डाउन हो जाता है। तो इस लिहाज से जो इसका USP है, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 100 घंटे इन्होंने कहा है, 100 घंटे में से ये 70 घंटे भी बैकअप दे देते तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है, कुछ है उतना लीनियंसी हो जाती है, लेकिन आधे से भी कम देना मुझे मतलब नहीं समझ में आता, तो इस बेसिस पे मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कॉलिंग क्वालिटी इस नेक बैंड की अच्छी है, साउंड क्वालिटी ठीक है, बेटर देन एवरेज है, और अच्छी हो सकती थी, जितना मैं ब्लापंग नाम से एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं थी, लेकिन बेटर देन एवरेज थी। बैकअप की इसकी बात है तो जो इन्होंने 100 आवर्स कहे हैं उसके बहुत दूर रह गए, ये 42 से 44 आवर्स तक, तो ये आधे से भी कम होने का कोई मुझे मतलब नहीं समझ आता। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर मुझे बैटरी बैकअप के लिए इसे लेना है तो मैं नहीं लूँगा, मुझे बहुत बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहिए तो भी मैं इसे नहीं लूँगा। हालांकि 1000 रुपये में मुझे नेक बैंड मिला, अगर ये 50 घंटे का 42-44 देते तो मुझे चल जाता, लेकिन इन्होंने चूंकि 100 आवर्स कहे हैं इसलिए मैं इसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बाकी आपको देखना है कि आपके प्रेफरेंस क्या है। 1000 रुपये के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है उसके हिसाब से मुझे इनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमसे शेयर ज़रूर करिएगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाले कई सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।